Hey there, welcome to another video. And yesterday I received a one comment that please make a video on anatomy and physiology viva. So I think कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए और मैंने इससे पहले भी वाइवा पर एक वीडियो बनाया है कि वाइवा में कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए. सो वो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. और वो वीडियो थोड़ा सा पुराना है तो मेरे एक्सप्रेशंस एंड बोलने का स्टाइल थोड़ा ठीक नहीं होगा, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इज़ अ क्वालिटी, सो आप देख सकते हैं वो. आज हम बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी के वाइवा के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक्स को तो करना ही करना है, बाकी सब आप छोड़ दो लेकिन उतना तो आपको आना ही चाहिए. सो उसमें हम बात करने वाले हैं पहले बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और हिस्टोलॉजी के बारे में. हिस्टोलॉजी में भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, 15 मिनट्स का है, ऑल हिस्टोलॉजी स्लाइड्स उसमें कवर करने की कोशिश की है. अगर आपने वो भी नहीं देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन. सो ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट बात करते हैं हम बोन्स के बारे में. सो बोन्स में कॉमनली जो थिंग्स हमें याद रखनी है वो है उनके पार्ट्स, उनका साइज डिटर्मिनेशन एंड उनके मेजर अटैचमेंट्स. ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही कॉमन पूछते हैं एंड बहुत बेसिक थिंग्स है जो कि आपको आनी ही चाहिए. और जो माइनर अटैचमेंट्स हैं वो कभी कभी रैली पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ना है बट वो याद नहीं रहते तो चलता है. अब बात करेंगे सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स के बोन्स की. सो फर्स्ट इज़ अ अपर लिम. अपर लिम के अंदर ह्यूमरस, उसमें ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल एंड इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव के जो अटैचमेंट्स है वो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं. फिर ह्यूमरस का जो लोअर पार्ट है उसमें जो कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया होता है वो कौन सा किसके साथ जुड़ता है वो भी कॉमनली पूछते हैं. रेडियस एंड अल्ना, उन दोनों के ऑल द अटैचमेंट्स मेजर एंड माइनर दोनों ही करने हैं. और उनकी पोजीशन जो कि बॉडी में वो कैसे होते हैं उनको ऐसे जोड़ने के लिए बोला जाता है, तो वो आपको करके दिखाना पड़ता है. कार्पल बोन्स के नेम्स बहुत ही कॉमन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछते हैं. और उसके लिए एक निमोनिक भी है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर. अब बात करते हैं लोअर लिम के बोन्स के बारे में. सो लोअर लिम के बोन्स के अंदर फीमर के अंदर ग्रेटर ट्रॉकेंटर एंड लेसर ट्रॉकेंटर के जो मसल अटैचमेंट्स हैं वो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं. और फीमर का जो अपर पार्ट है उसके भी जो अटैचमेंट्स हैं वो मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. लीनिया एस्परा के जो अटैचमेंट्स हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. पटेला के साइड डिटर्मिनेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टीबिया का जो हेड पार्ट है उसके ऊपर जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं. फिब्यूला, ऑल द अटैचमेंट्स मेजर एंड माइनर बोथ आर इम्पॉर्टेंट. टार्सल बोन्स के आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कौन सा टार्सल बोन कौन सा है और उन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है, लाइक टैलोकैल्केनो नेविक्यूलर, तो वो डिस्क्राइब करना कि इन दोनों के बीच में ये जॉइंट है. ये चीज़ बहुत ही कॉमन है फॉर एक्सरे एंड फॉर द बोन्स. नाउ हिप बोन के अंदर ऑल द अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट मेजर ही करने हैं, माइनर उतने ज़्यादा नहीं पूछते लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं. फिर मेल एंड फीमेल डिफरेंस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है. फिर जो हिप बोन्स के अंदर वेरियस लाइंस होती है, जैसे कि आर्क्यूएट लाइन हो गई, फिर पैक्टोरियल लाइन हो गई, तो वो सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है. अब बात करते हैं वर्टिब्रीज और रिब्स के बारे में. सो वर्टिब्रीज के अंदर मोस्ट कॉमन जो पूछते हैं वो है उनके फीचर्स, और दूसरा सर्वाइकल लंब एंड थॉरेसिक का जो डिफरेंस है वो, मतलब एक सर्वाइकल रखी होगी, एक थॉरेसिक और एक लंब रखी होगी, तो आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. कौन सी वर्टिब्री भी है वो भी कभी कभार पूछ लेते हैं. और उनके अटैचमेंट्स भी, जो मेजर अटैचमेंट्स है वर्टिब्रीज के, वो भी मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. दूसरी थिंग है रिब्स. रिब्स के अंदर साइड डिटर्मिनेशन मोस्ट कॉमन थिंग, और उनके अटैचमेंट्स जो फेमस अटैचमेंट्स है वो पूछे जाते हैं. मोस्ट कॉमन जो रिब्स पूछते हैं वो 12th नंबर एंड फर्स्ट नंबर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइड डिटर्मिनेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर वो आपको नहीं आया तो फिर ज़ीरो आपको मिल सकता है. नाउ स्कल बोन के अंदर अगर आपको उसके पार्ट्स ना आए तो चलेगा, लेकिन उनके फोरामेंस के नेम्स और वहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट कॉमन है, वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है. दूसरी थिंग कि उसके जो मसल अटैचमेंट्स वो भी जो कई कई जगहें होती है ना जो फेमस होती है, लाइक स्टाइलोइड प्रोसेस, तो वैसी जगहों के अटैचमेंट्स पूछे जाते हैं.
दूसरा स्कल के जो पॉइंट्स होते हैं मेनली जो वर्टेक्स ब्रैगमा एंड अदर पॉइंट्स वो भी कॉमनली पूछते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द मसल्स. सो मसल्स के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है नर्व सप्लाई एंड एक्शन. ओरिजिन और इंसर्शन को करने के अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछते, और पूछते भी है तो जो कॉमन मसल्स है, जो बिग मसल्स है, जो फेमस मसल्स है लाइक डेल्टोइड हो गया, बाइसेप हो गया, तो उनके पूछते हैं. बाकी तो नर्व सप्लाई एंड एक्शन ही मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. नर्व सप्लाई के अंदर जिन मसल्स की ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है वो कॉमनली पूछते हैं, और एक्शंस जो मसल की एक्शन ना एक्सेप्शन में होती है वो ज़्यादा पूछते हैं. दूसरा कोई मसल की क्लिनिकल एनाटॉमी हो तो वो भी कॉमनली पूछते हैं. और ऐसी ऐसी जगहें जो कि फेमस जगहें हैं लाइक टेंडो एकेलीस, पेस एंड सेरिनस, वो कैसे बनता है वो पूछते हैं. ब्रेकियल प्लेक्सस, होल ब्रेकियल प्लेक्सस इज इम्पॉर्टेंट, उसे डिफाइन करना आना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑर्गन्स. सो ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले लेते हैं हम लंग्स. लंग्स के अंदर उसका साइड डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, और साइड डिटर्मिनेशन फिशर्स के थ्रू नहीं करना है, उनकी जो बॉर्डर्स होती है उसके थ्रू ही करना है. दूसरा कार्डियक नोच एंड लिंगुला मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. रूट्स ऑफ लंग, फिर हाइलम और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली आते हैं. लंग्स के जो इम्प्रेशंस होते हैं लाइक इसोफेगस इम्प्रेशन, अजाइगस वेन इम्प्रेशंस, वो मोस्ट कॉमन है. पल्मोनरी लिगामेंट्स इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लंग. हार्ट, होल हार्ट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड मेनली राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हार्ट की जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि जो भी ऑर्गन्स है उन सबकी क्लिनिकल एनाटॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है. दूसरा है लीवर. सो लीवर की पोजीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बैर एरियाज ऑफ लीवर एंड लिगामेंट्स ऑफ लीवर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमनली पूछा जाता है. फिर हाइलम ऑफ लीवर एंड उनके स्ट्रक्चर्स एंड इम्प्रेशंस जो कि लीवर के ऊपर होती है, कोलिक इम्प्रेशंस, रीनल इम्प्रेशंस, वो भी मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द किडनी. किडनी के अंदर साइड डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, हाइलम एंड उसके स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, एंड कॉर्टेक्स मेडुला को उनके अगर सेक्शन हो तो उसके कॉर्टेक्स मेडुला को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. दूसरा रिलेशन ऑफ द किडनी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ. स्टमक, स्टमक के अंदर जो भी थियरी के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही लिम्फैटिक्स ऑफ स्टमक एंड आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक इज इम्पॉर्टेंट. फॉर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन उनका डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, और इलियम और जेजुनम का भी डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है. नाउ फॉर द स्प्लीन, पोजिशन ऑफ स्प्लीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेशंस ऑफ द स्प्लीन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ फॉर द हेड सेक्शन, हेड के सेक्शन के अंदर जो भी थियरीज के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही इसके अंदर भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मसल ऑफ टंग, फिर लैरिंग्स, और फिर उसके जो कार्टिलेज होते हैं वो, और नर्व सप्लाई, उन सबकी बॉडी कॉमन पूछी जाती है. फिर नेजल कॉन्का, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियरी में होते हैं वही कॉमन इसमें पूछे जाते हैं. नाउ फॉर द ब्रेन, सल्काई एंड गायराई आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो भी स्पेसिमेन के अंदर एकदम प्रोमिनेंट दिखती है वही ज़्यादा पूछते हैं. दूसरा पेल्विक सेक्शन के अंदर ब्लेडर, रेक्टो यूटराइन पाउच एंड वेसिको यूटराइन पाउच अगर दिखते हैं तो मोस्ट कॉमनली पूछते हैं. दूसरा रेक्टम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस ज़्यादा पूछते हैं. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डेंटिकुलेट लिगामेंट, कॉर्डा इक्वाइना एंड कॉर्नस मेडुलारिस आर इम्पॉर्टेंट. सो यही था आज का शॉर्ट वीडियो. एंड देखो सब कुछ कवर करना एक ही वीडियो में दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सब कुछ जो कॉमन पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इसमें कवर हो जाए. फिर भी कोई पार्ट अगर छूट गया है तो टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू. एंड अगर आपको इसका लिखा हुआ वर्जन चाहिए सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है कुछ जाने को मिला है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन.